अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आज से शुरू हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने किया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई डामोर, प्रदेशाध्यक्ष केसी घुमरिया सहित देश भर से आए कई जनप्रतिनिधि और आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष घुमरिया ने बताया कि सम्मेलन में 2 दिन तक आदिवासी समाज के हितों और उनके अधिकारों को लेकर मंथन किया जाएगा। खामी रह गई, उसको किस तरह दूर किया जा सकता है। इनके जो 2 दिन के मंथन से जो भारत सरकार को, राज्य सरकारों को जो सुझाव आएंगे, विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग जातियों की अलग अलग समस्याएं हैं जनजातियों की, उस पर मंथन करके, एक तरह से मंथन का करेंगे, क्या होना चाहिए वास्तव में, सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, उसमें क्या सुधार होना चाहिए। ये मंथन जब आएगा, इनकी जो सुझाव आएंगे, इनकी जो सिफारिश आएगी, उन पर सरकार निश्चित रूप से अमल करेगी। आदिवासियों को बेहतर किस तरह से उनकी सुविधाओं को बेहतर हम बना सकते हैं। एट्रोसिटी एक्ट को ठीक से लागू किया जाए, महिलाओं का सशक्तिकरण है, 5वीं अनुसूची को ढंग से लागू किया जाए, तो ये सब बातें हैं, उनको रखा है इसमें। उस पर गहन चिंतन होगा। हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग, सारे पूरे इंडिया के ट्राइबल नेता आए हुए हैं, इस पर चर्चा होगी। फिर उसका निष्कर्ष जो निकाल के केंद्र सरकार को भेजेंगे, राज्य सरकार को भेजेंगे, सब राज्य सरकारों को भेजेंगे,